हेलो बच्चों, मैं सुनीता SDS विद्यापीठ से SDS विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके हिंदी के विषय में सीखेंगे वर्ण न के बारे में। किसके बारे में? वर्ण न के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनसे जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे और इन्हें पढ़ना सीखेंगे और फिर एक छोटी सी नई कविता सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है न। न से नल, न से नल, न ल नल। ये देखिए बच्चों, इसे क्या कहते हैं? नल, जिसमें से पानी आता है। ठीक है, अगला है न। न से नाव, न से नाव, ना व नाव। नाव कहाँ आपने देखा होगा बच्चों? ना आपको दिखेगी पानी में। इसमें लोग बैठ करके पानी में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए काम में लाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? नाव। ठीक है, अगला है न। न से नारियल, ना री य ल नारियल। नारियल भूरे रंग का होता है बच्चों, जो कि बहुत ही कठोर होता है और इसके अंदर जो है नारियल का पानी भी होता है और नारियल का फल भी होता है और यह ऊपर से ऐसे इस रंग में कठोर सा बना हुआ होता है। नारियल खाना हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और नारियल का पानी भी हमारे सेहत को बहुत ही फ़ायदा करता है। जो बीमार व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं। और एक दूसरे तरीके का भी नारियल आता है बच्चों, जो कि हरा होता है और उसमें उसके इस नारियल के मुकाबले ज़्यादा पानी होता है और वो उसका ताज़ा पानी होता है। तो ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्या है? नारियल, जिसमें नारियल का फल भी होता है और पानी भी होता है और यह ऊपर से कठोर होता है। अगला है न। न से नगर। आपने शहर तो देखा ही होगा, शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई होती हैं और बड़े बड़े ऐसे घर बने हुए होते हैं, सिनेमा हॉल्स बने होते हैं, मॉल्स बने होते हैं। तो उन शहरों को हम क्या कहते हैं बच्चों? उन शहरों को हम नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। जो बड़े बड़े शहर होते हैं हम उन्हें नगर कहते हैं। ठीक है, तो फिर से हम इन शब्दों को एक बार दोहरा लेते हैं। न। न से नल, न से नाव, न से नारियल, न से नगर। ठीक है बच्चों, अब सीखते हैं हम एक छोटी सी कविता। तो बच्चों, ये है आज की नई कविता जो बनी है नल पे। चलिए इसे हम पहले पढ़ते हैं, फिर हम इसे अच्छे से सीखेंगे। टप टप बहता जाए नल, टप टप बहता जाए नल, बंद करो अनमोल है जल, बंद करो अनमोल है जल। अब हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे एक कविता पढ़ी जाती है। टप टप बहता जाए नल, बंद करो अनमोल है जल, टप टप बहता जाए नल, बंद करो अनमोल है जल। यहाँ जल के बारे में बताया गया है। जल क्या होता है? पानी। पानी को हम जल कहते हैं। तो इसमें बच्चे कह रहे हैं टप टप बहता जाए नल, बंद करो अनमोल है जल। पानी को हमें हमेशा जो है बेकार होने से बचाना चाहिए, यानी जो नल से पानी टपकता रहता है, कभी कभी कोई नल खुला छोड़ दो तो उसमें से पानी बहता रहता है, या फिर नल को चला करके उसमें से बिना काम के पानी निकालना, तो ये पानी की व्यर्थता होती है बच्चों। हमारे जीवन में जीवन जीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, जल बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो कभी भी पानी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग इस बात का ध्यान रखोगे और पानी हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इस कविता को भी अच्छे से सीख लीजिए और इन शब्दों को भी दोहरा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्ण के साथ। धन्यवाद।